नमस्कार प्रिय दर्शकों, व्यतिक्रम स्पेशल विद निकी कलिता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस शो के ज़रिए हम आप लोगों को ऐसे गेस्ट से मिलवाने की कोशिश करते हैं जिन्होंने समाज में एक अहम भूमिका निभाई है। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, वो 7-time नेशनल चैम्पियन रह चुके हैं आर्म रेसलिंग में। तो लेट्स वेलकम प्रांजित सैकिया ऑन आवर शो। प्रांजित, वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले तो थैंक यू, आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे शो में आए। थैंक यू सो मच। प्रांजित, सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछूंगी आपसे कि आपने जो ये जर्नी है आपकी, कहाँ से शुरुआत की आपने? आफ्टर ग्रेजुएशन शुरुआत कर दी थी या स्कूल से ही आपने ये आपका सिलसिला शुरू हुआ? तो जर्नी तो बहुत लंबा है मेरा, एक्चुअली बहुत पीछे तक जाना पड़ेगा, एकदम स्कूल तक। स्कूल से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था, और जो जर्नी स्टार्ट हुआ था जब मैं क्लास 7, 8, 6, 7, 8 शायद ऐसा था कुछ, तब से ही मतलब स्पोर्ट्स में है आप? तब से, मतलब पहले तो ओनली स्पोर्ट्स ही था, पढ़ाई वढ़ाई कुछ वैसा कुछ नहीं था, सिर्फ खेलना है वही था। और तब मैं एक्चुअली क्या था, मैं पहले से थोड़ा लंबा था मैं एक्चुअली, तो लंबा होने के बावजूद मतलब सब लोग स्कूल में वो वक्त में, अभी भी शायद चलता है शायद वो चीज़, पावर शो करता है, पावर शो, तो हाउ टू शो योर पावर इन स्कूल। तो पहले वैसे फाइटिंग करने से तो स्कूल में नो प्रिंसिपल या टीचर्स कुछ पनिशमेंट देते हैं, तो फाइटिंग को मतलब छोड़ के आप पावर को कैसे दिखाएंगे शो करेंगे। तो पहले से ही सब लोग, हम लोग का, मैं जब जहाँ रहता हूँ उधर में गेम आर्मर्सिंग बहुत होता था पहले, तो उधर में जो खेल होता था तब हम लोग देखते रहते थे, यहाँ ये गेम मतलब पावर शो वाला गेम है वो ऐसा कुछ, और तब स्कूल में खेलते थे। तब मैं सबसे लंबा था, तब सब लोग मेरा मतलब मेरे पे ही आके मतलब आओ पंजा लड़ते हैं कुछ करते करते, तब मैं हारता था, तब से हार ही रहा था मैं। आई वॉज सो वीक दैट टाइम, मतलब लंबा था लेकिन इतना पावरफुल नहीं था, तब वो मुझे लगता था कहीं ना कहीं पर मतलब वही। और तो सब ऐसा दौर चलता गया, मैं ग्रो होता गया, सब चीज़ आगे बढ़ती गई, तब धीरे 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 देखता गया, मैं गेम सीखता गया। तब मतलब 2007 का बात होगा, तब से हारा था मैं, 2012 तक हारा मैंने, हारा अच्छा, मतलब 6-7 से 12 तक हारा, सबने मुझे हराया, मतलब कहीं पे कंपटीशन मतलब खेलने के लिए जाता हो तभी हारता हो। तब मेरा वेट भी कम से कम 70 के आसपास था, और 2012 में मैंने लास्ट हारा, उसके बाद मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। अच्छा। तो हारते जीतता है बोलता है वही। 2013 में डिस्ट्रिक्ट चैंपियन हुआ था, चैंपियनशिप हुआ था 72 रिले में, तो उधर मैंने जिसको हराया था फाइनल में वो इंडिया का टॉप रह चुका था, मतलब अच्छा, तो फर्स्ट टाइम ही मैंने उसको हराया 2013 में। तब तो उसके बाद से मतलब एक अंदर ही एक मोटिवेशन आ गया। हाँ, मतलब मोटिवेशन मुझे जीत के नहीं आया, मोटिवेशन मुझे हार के आया। जितना मैंने हारा उतना मैंने मेहनत किया, प्रैक्टिस किया, उसको छोड़ा नहीं, मतलब हारा इसलिए छोड़ दिया, वैसे मैंने गिव अप नहीं किया कभी भी। तो उसको मैं मतलब अपना स्ट्रेंथ, जो हार को मैंने अपना स्ट्रेंथ बना के उसको मतलब पॉलिश करके जितना भी हो सके हार्डवर्क मेहनत करके पूरा मतलब किया, और तभी वो 2013 में मैंने उसको हराया जो चैंपियन ऑलरेडी रह चुका था इंडिया का, नंबर वन चैंपियन था वो, हम लोग का आसाम का ही था वो। और फर्स्ट मैं 2013 में डिस्ट्रिक्ट चैंपियन हुआ, उसके बाद शिव सागर में हुआ था स्टेट चैंपियनशिप। अच्छा। तो डिस्ट्रिक्ट से लेकर मतलब स्टेट तक जो जर्नी था, उधर तक जाने के लिए मतलब जब जा रहा था, तब जब प्रैक्टिस कर रहा था, तब सब बोला मतलब तो डिस्ट्रिक्ट में जीत गया तो स्टेट में तेरा नहीं होगा, तो स्टेट में और टफ कंपटीशन होगा तेरे लिए। तब मैंने मेहनत और ज़्यादा किया, जब जितना मुझे बोलता है कि तू सकेगा नहीं, कंपटीशन टफ होगा, तब प्रैक्टिस में ज़्यादा करता हूँ, मेहनत ज़्यादा करता हूँ, हाँ मैं नहीं सीखूंगा क्या, और दो सेट मारता हूँ और दो कुछ प्रैक्टिस करता हूँ ज़्यादा करके। तब स्टेट में गया, स्टेट में भी मैंने चैम्पियन मतलब अपना वेट कैटेगरी में चैम्पियन मतलब खिताब हासिल किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके बाद नेशनल आया, डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल प्रोफेशनल जो एक गेम होता है, तो जैसा स्टार्ट होता है डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टार्ट करना पड़ता है, तो नेशनल तक गया मैंने, नेशनल गुवाहाटी में हुआ था। तब गुवाहाटी में मेरा सामना हुआ पूरा इंडिया के स्टेज से, जो टॉप टॉप इंडिया का जो प्लेयर्स है, इंडिया के टॉप टॉप प्लेयर अपने अपने स्टेटों में जो टॉप टॉप प्लेयर्स है,
तब गुवाहाटी में भी मैंने चैम्पियन जो गोल्ड मेडल लिया अपना वेट कैटेगरी में, तब से मेरा 13 से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। तो 13 तो ये कब की बात है, 2013 का बात है। अच्छा, तो मतलब 2012 तक आप सिर्फ हार रहे थे और अचानक से 2013 में नेशनल जीत गए। नेशनल जीत गया तो 13 से लेके 13 14 15 16 में मेरा कुछ मतलब इंजरी के लिए वजह से और मेरा गेम ज़्यादा चल नहीं पाया, इसलिए 16 मैंने रिस्क किया पूरा। तो 13 14 15 17 18 19 एंड 20 मैं कंटिन्यू नेशनल चैंपियन हूँ। सेवन टाइम नेशनल चैंपियन। तो इसी बीच में मैं मतलब तब से लेके अभी तक और बहुत चीज़ है और बाहर भी मैंने कम्पीट किया, इंडिया का बाहर। तो कजाकिस्तान में आप गए थे ना? हाँ, 2017 में मैंने गया था कजाकिस्तान में ओपन एशियन आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप था उधर। तो उधर में मुझे 6th प्लेस मिला, मतलब फर्स्ट टाइम जब मैं बाहर खेलने के लिए गया था तब एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक था वो थोड़ा कुछ, तो वही और मतलब बहुत टफ कंपटीशन था, बहुत टफ। वो मतलब डिस्क्राइब करने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। हाँ, कहाँ रीजनल लेवल, फिर नेशनल, फिर अचानक से इंटरनेशनल, मतलब आपके तो सच में एक जर्नी बहुत ही ज़्यादा लंबी है ये तो। हाँ, तो लेकिन इंडिया से है बहुत प्लेयर वैसे जाते हैं, मुझसे भी पहले बहुत लोग गए हैं ऑलरेडी, बहुत सीनियर्स प्लेयर्स भी हैं। तो लेकिन जर्नी बहुत टफ है, लेकिन इसकी जर्नी बहुत टफ है, सब हार्डवर्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये सब। स्पोर्ट्स में कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए हार्डवर्क चाहिए। किसी को फ्री में तो कुछ नहीं मिलता है, वही चीज़ है। और तभी 2017 में मैं गया कजाकिस्तान में, तब 2017 में मैंने इंडिया का टॉप पे किया, मतलब चैम्पियन ऑफ द चैम्पियंस, मतलब जितना वेट कैटेगरीज होता है आपका, जैसे आप 55 से लेके 105 केजी तक, मतलब 5 केजी के अंदर होता है, ऐसे 11-12 वेट कैटेगरी होता है। तब जब चैम्पियंस होते हैं सारे वेट कैटेगरी में, तो उन लोगों के बीच में एक गेम होता है जो इंडिया का टॉप निकालने के लिए, उसको बोल रहे चैम्पियन ऑफ द चैम्पियंस। अच्छा, तो चैम्पियन ऑफ द चैम्पियंस में मैं 2017 में इंडिया का टॉप रहा, 2018 में भी टॉप रहा, 2019 में भी टॉप रहा, 3 साल में कंटिन्यू टॉप रहा इंडिया का। और 2018 में एक आपका यूआरपीए, मतलब हम लोग का वर्ल्ड में एक एसोसिएशन है यूआरपीए प्रोफेशनल्स, आर्म रेसलिंग प्रोफेशनल्स। सो आर्म रेसलिंग प्रोफेशनल्स यूआरपीए इंडिया में आया था, तो इंडिया में आने के 2018 में इंडिया में आया था, तो उन लोगों ने एक चैम्पियनशिप इंडिया में किया था बुलडॉग के थ्रू, बुलडॉग एक एसोसिएशन है उसका थ्रू एक किया था उन लोगों ने। तब उधर में भी मैं बाय द ग्रेस ऑफ माय मॉम एंड डैड, तो और माय हार्ड वर्क, मैंने उधर में भी नंबर वन, इंडिया का नंबर वन हासिल किया। और ये और 2000 लास्ट मैंने खेला 2020 में, जब वो कैब वेब का हो रहा था। तब स्टार्टिंग में मेरे दिल्ली में एक गेम हुआ था रेनबो क्लासिक बोल के, रेनबो क्लासिक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इंडिया का, सब गेम होता है उधर में, बॉडी बिल्डिंग से लेके आर्म रेसलिंग से लेके मॉडलिंग, सब गेम होता है उधर में। बेसिकली उसमें स्पोर्ट्स ही होता है, स्पोर्ट्स, रेनबो क्लासिक इज ओनली फॉर स्पोर्ट्स। अच्छा, तो स्पोर्ट्स होता है। तो उधर में जो सबसे बड़ा किताब है इंडिया का स्ट्रॉन्ग आर्म, तो वो भी मुझे मिला 2020 में। वही वो मतलब कैप में वही लास्ट मेरा जर्नी था, अभी कोरोना की वजह से अभी तो खत्म हो गया, बंद हो गया। और 2018 में लेकिन मुझे आपका जो यूआरपीए वर्ल्ड रैंकिंग जो लिस्ट है ना, उधर मेरा नाम एक नंबर पे था। वही और प्रांजित, अभी तक का बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है, चाहे मैं इंडिया की बात करूँ या इंटरनेशनल, जब आप खेलने गए थे तो ऐसा कौन सा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है अब तक? बोलना चाहे तो बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा एक ही था, जब मैं एक्चुअली 2006 से हार रहा था, तो 2012 तक, तो 2013 में जब ये मतलब रुक गया, थम्स आ गया कुछ, तो मेरा स्टार्ट हुआ। मतलब 2013 का जर्नी मेरा सबसे बेस्ट था, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट से लेके नेशनल से लेके पूरा फुल गोल्ड मेडल नहीं मिला मुझे। तो वो एक साल आपका बेस्ट साल भी बोल सकते हैं, बेस्ट वो साल मेरा सबसे मतलब मेरा साल था वो, मतलब वो मेरा साल था। तो उधर से लेके 13 से, मतलब जब मैंने मतलब मेरा साल था, तब से 14 15 17 18 कंटिन्यू मेरा हुआ है
तो वो मेरा बेस्ट था लाइफ का एक्सपीरियंस आर्म रेसलिंग में. और मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा हाल ही में 2008 में मलेशिया में जो गेम हुआ था उधर. तो मलेशिया में मुझे फोर्थ प्लेस मिला. तो फोर्थ प्लेस एक्चुअली मतलब कैसा मिला मैं क्या बोलूँ अभी, जो जिसको मैंने हराया था उस बंदे को मिला फर्स्ट पोजीशन. तो हम लोग का गेम एक साथ में ही होता रहता है, मतलब एक ग्रुप पे कम से कम आपका 10 से 20 तक होता है बंदे. तो हम लोग को कंटिन्यू खेलते जाना पड़ता है, मतलब तो जो टॉप 5 होता है, टॉप एक्चुअली टॉप 7 तक होता है, रैंकिंग 7 तक होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ. जब मैं टॉप 5 पर चला गया और 5 तक जाने के बाद जिस सब मैंने एक प्लेयर था आपका फिलीपींस का प्लेयर था, तो उस फिलीपींस का प्लेयर को मैंने हराया, नॉर्मली हराया. और इतना मुझे तकलीफ नहीं हुआ उसको हराने के लिए क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रिपेयर था. उसके बाद एक मेरा एक्चुअली क्या है, वर्ल्ड में जो यू नो एक क्रेजीनेस होता है, जब हम लोग का सपोर्टर्स मतलब उधर में मैं था और मेरा एक दोस्त था जो मेरे से बड़ा मतलब ऊपर वेट के लेकर था, तो हम दोनों ही थे. तो मुझे भी कोई हौसला रहने वाला नहीं था तब कोई, और मेरा गेम कुछ ख़राब हुआ है क्या, कुछ गलत हुआ है वो बोलने वाला भी नहीं था. तो मुझे खुद पर खुद मतलब ध्यान देना था कि मेरा गेम कैसा होगा क्या नहीं होगा. डाइट से लेके पानी से लेके खाना से लेके प्रैक्टिस से लेके सब कुछ सभी वो ऑन द स्पॉट में मुझे देखना था और मैं ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ. और तब थोड़ा मेरे से गलती हो गया, या नहीं तो मुझे फर्स्ट मिलता उधर मलेशिया में. तो वो गलती से मतलब मैं फोर्थ हो गया, मेरा पोजीशन फोर्थ हो गया, तो मुझे नहीं मिला. और वो मेरा सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था. और एक वर्स्ट एक्सपीरियंस था कजाकिस्तान में, दो वर्स्ट थे. जब मैं दोनों बार बाहर में खेलने के लिए गया था दोनों ही मेरा वर्स्ट था. तो कजाकिस्तान में मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था, हम लोग का इंडिया से जितना मतलब एथलीट्स बाहर खेलने के लिए जाते हैं, हम लोग का इंडिया का वेदर कंडीशन और इंडिया का खाना हम लोग का टोटली अलग होता है, बहुत अलग है. बहुत अलग है. एक्चुअली क्या है, बाहर का जो एथलीट्स है हम लोग का, एक्चुअली मुझे मेरा एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, बाकी के बारे में मुझे नहीं पता. तो बाहर का जो एथलीट्स मतलब इतना पावरफुल है वो लोग, यू कैन इमेजिन हाउ दे मतलब यू नो ट्रेन देमसेल्फ फॉर स्पोर्ट्स. तो जब मैं कजाकिस्तान में, मेरा वेट तब था 85 kg शायद. तो 85 kg में मैं मतलब मुझे कुछ भी पोजीशन नहीं मिला, मुझे सिक्स पोजीशन मिला, सिक्स प्लेस. फिर भी टॉप 7 में था मैं, फिर भी सिक्स प्लेस इज नॉट अ प्लेस मेरे हिसाब से. गोल्डी जो है गोल्डी है क्योंकि मैं स्टार्टिंग से मुझे गोल्डी मिला. तो देर इज़ नो सेकेंड, देर इज़ नो थर्ड, एक ही प्लेस है सो फर्स्ट. तो जब मैं गेम वेम ख़त्म हुआ और ऑफ टेबल में गेम ख़त्म होने के बाद सब लोग, सब दोस्ती है हम लोग, कंट्री अलग हुआ तो क्या हुआ, एक दोस्ती मतलब एक फैमिली के जैसा है. तो ऑफ टेबल हम लोग गेम खेलते वैसे ही, और प्रैक्टिस में देखता है कि इसका कितना पावर है. और एक बंदा आया, वो बंदा कजाकिस्तान का ही था क्योंकि कजाकिस्तान रशिया और यूक्रेन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग एथलीट्स मतलब उधर से निकलते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट एथलीट्स, चाहे वो आर्म रेसलिंग का ही हो चाहे वो पावर लिफ्टिंग का, कोई भी स्पोर्ट्स का. कजाकिस्तान और यूक्रेन रशिया बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ठंडा, जो ठंडा जगह है ना, तो उधर में एथलीट्स बहुत टफ पैदा होते, कैसे पैदा होते मुझे नहीं पता. तो वैसा बात है कुछ. तब एक बंदा आया, उसका वेट था 65 kg, मेरे से 20 kg उसका लो वेट कम है, था. कम वेट था. तो बंदा आके मेरे हाथ को ऐसा पकड़ा, लेकिन वो गेम खेला नहीं, वो गेम उसका एक प्रोफेशनल मैच था इसीलिए वो वाला गेम एशिया चैंपियनशिप नहीं खेला. तब मेरा हाथ उसने पकड़ा, हाथ पकड़ के उसका हाथ में एक इंच पे हिला नहीं सका. और वेट में आपसे कितना कम था, 20 kg मेरे से कम है उसका वेट. तो उसका हाथ में एक इंच भी हिला नहीं सका, वो मेरे हाथ को ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है. तो मुझे लगा हो गया ना ये. तो मैं ऐसे टेबल ऐसे छोड़ के मैं चला भाग गया उधर से. अकेला भाग गया उधर से, बस पकड़ा उधर से, अकेला होटल पे जाके मतलब भाग गया. मतलब वो मेरा सबसे खतरनाक और
बैड एक्सपीरियंस था मसलिंग में, मतलब मतलब ऐसे एक मतलब अनएक्सपेक्टेड ऐसा भी कुछ हो, इतना भी पावर हो सकता है एक बंदे में मतलब. लेकिन तब मुझे धीरे धीरे तब वो पता चला कि हाँ हो सकता है, क्योंकि उन लोगों का वेदर कंडीशन और उन लोगों का फूड हैबिट कल्चर बहुत अलग है हम लोगों से. तो वही, और इंडिया से अगर कोई कोई भी एथलीट इंडिया से कहीं कोई भी स्पोर्ट्स में अगर मेडल लाता है, कोई भी मेडल, थर्ड हो या फर्स्ट हो या सेकंड, कोई भी, या पार्टिसिपेट करता है या टॉप सेवन में आता है, बहुत बहुत बड़ा बात है वो. क्योंकि उन लोगों का जो प्रैक्टिस का जो यू नो जो सेशन करते हैं वो लोग, जो टाइम रहता है वो प्रैक्टिस का टाइम ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है. प्रैक्टिस का टाइम, उसका खाना, उन लोगों का जो कोच का जो लगे रहते हैं एनी टाइम उन लोगों के बीच में, और उन और एक बात क्या है, सपोर्ट बहुत करते हैं वो लोग उन लोगों का फैमिलीज, उन लोगों का मतलब कल्चर, उन लोगों को बहुत सपोर्ट. कहीं पे भी जाएंगे वो लोग, उन लोगों को सपोर्ट करेंगे. और उन लोगों का ट्रेनिंग एक्चुअली बहुत छोटा से स्टार्ट हो. हम लोग का भी इधर इंडिया में ऐसा बात है कि अगर तुम 16 या 18 का नहीं हुआ तो जिम में मत जाओ, एक्सरसाइज मत करो, कुछ भी खेलो मत. लेकिन उन लोगों में मतलब ऐसा चीज़ है, बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है वो, जो यू नो वॉरियर स्पिरिट होता है वो बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है. तो उन लोग ग्रो ज़्यादा करते हैं हम लोगों से. तो वही बात है, और इंडिया ग्रो कर रहा है. इंडिया अभी ऐसा नहीं है कि इंडिया वो पहला वाला इंडिया है. अभी इंडिया बदल चुका है, अभी इंडिया पलट के वार भी करता है, वैसा हो गया है कुछ. तो अभी शायद बदलेगा. तो आप कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? मेरा प्रैक्टिस तो दिन में सवेरे में 5 बजे उठता हूँ, तब से मेरा दिन स्टार्ट होता है. तो प्रैक्टिस करते करते मेरा, मैं एक्चुअली शाम के वक्त जिम जाता हूँ. तो नॉर्मली अगर मेरा गेम, मतलब गेम क्या है, ऐसा है कुछ, हम लोग जो एथलीट्स होता है ना, वो लोग कभी भी मतलब यू नो गेम का 3 महीने आगे या 6 महीने आगे हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते. हम लोग एनी टाइम रेडी, मतलब एक फाइटर की तरह, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है. और एक इंजरी है बड़ा चीज़ है जो एथलीट को बहुत मतलब यू नो इमोशनली भी डाउन कर देता है, कहीं मेंटली इमोशनली सब कुछ मतलब ख़त्म कर देता है जो इंजरी होता है. तो ये और इंजरी ऐसा चीज़ है कि वो एथलीट के साथ मतलब बना हुआ है, वो कभी भी छोड़ता नहीं है मतलब. तो वो ऐसा वैसा है कुछ. और प्रैक्टिस 5-4 घंटा एक सेट कंटिन्यू हो जाता है कभी कभी. तो मतलब हम और मैं कैसा प्रैक्टिस करता हूँ यू नो, मैं टाइम देख के जिम या प्रैक्टिस में नहीं जाता हूँ, मैं एनर्जी लेके जाता हूँ. मैं घर से 100% एनर्जी लेके प्रैक्टिस में जाता हूँ. 80% खत्म होने तक मैं करता ही रहता हूँ, चाहे वो 2 घंटा हो जाए, चाहे वो 3 घंटा हो जाए, चाहे वो 6 घंटा हो जाए. तो 80% तक मैं करता ही रहता हूँ जितना मेरा दम हो लास्ट. जब 20% मेरे घर में आने के लिए चाहिए तो उसको बचा के रखता हूँ, वैसा ही प्रैक्टिस करता हूँ. तो यहाँ पे जैसे अभी आसाम की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जब आप खेल रहे थे और फिर जब आप बाहर जाते हैं खेलने के लिए, तो कितना कंपैरिजन आप देख सकते हैं कि हाँ यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स अलग हैं, वहाँ पे तो डेफिनेटली अलग है, लेकिन अभी धीरे 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 वो चीज़ें ग्रो कर रही है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? एक्चुअली इंडिया में अगर मेरा मतलब जितना एक्सपीरियंस है और मैं जितना लोगों के साथ मिल चुका हूँ, घूम चुका हूँ, खेल चुका हूँ, तो इंडिया में सबसे टफ कंपटीटर केरला है और आसाम है, नॉर्थ ईस्ट और केरला, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट और केरला का वेदर कंडीशन ऑलमोस्ट एक ही है. तो जितना भी टफ एथलीट्स है, पावरफुल एथलीट्स है, नॉर्थ ईस्ट और केरला से पैदा होते हैं. बाकी और कुश्ती वुश्ती, हाँ हरियाणा का नहीं, एक बात है हरियाणा का भी टफ है, लेकिन हरियाणा का एक अलग ही वो है. हरियाणा का कुश्ती ज़्यादा, हरियाणा में कुश्ती होता है ज़्यादातर, ज़्यादा कुश्ती होता है हरियाणा में. और जो यू नो छोटा छोटा गेम है, जैसे पावरफुल गेम जैसा हो गया कुछ भी, जैसे वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग या आर्म रेसलिंग और कुछ भी, वो तो नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट और केरला बहुत टफ है. और इंडिया में एक्चुअली क्या है, जब हम लोग नेशनल जाते हैं ना, तो हम लोग और केरला के बीच में फाइनल्स होता है. तो मुझे, मैं कह देता हूँ क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट केरला से ऊपर है, एक कदम आगे है. नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो खेल में बहुत आगे है. तो 2017 में जब हमें नेशनल चैंपियन सीसी हुआ था, चैंपियन ऑफ चैंपियन हुआ था, तब 55 से लेके 105 kg प्लस तक 11 वेट होता है.
तो 11 हुए, तो में से 11 कैटेगरी में से आपका 9 कैटेगरी नॉर्थ ईस्ट का ही था, असम का था. तो वो एक खुद के लिए भी प्राउड मोमेंट ही वही है, मतलब चैंपियन ऑफ चैंपियन लाइन में हम लोग सब नॉर्थ ईस्ट के ही थे मतलब. हाँ. तो कोई ना कोई भी जीते, ट्रॉफी तो हमारे घर में ही घर में आएगा, वही बात है. लेकिन क्या मतलब कुछ कुछ सपोर्ट के लिए, सपोर्ट जो नहीं मिलता है, सपोर्ट बहुत जरूरी है एक एथलीट के लिए सब, क्योंकि एक गेम खेलना इतना आसान नहीं है. फैमिली सपोर्ट आपका है पूरा? फैमिली सपोर्ट में मुझे बहुत मिला, क्योंकि अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होता तो मैं इस मुकाम पे नहीं पहुंचता. तो कोई भी एथलीट अगर कुछ मुकाम हासिल करे तो उसका फैमिली सपोर्ट हमेशा रहता है. सबसे पहले पेरेंट्स को ही जाता है, मम्मी पापा को पूरा क्रेडिट जाता है, क्योंकि वो लोग नहीं रहते तो मैं नहीं रहता, वैसा बात है कुछ तो वही. और अभी जैसे कि कोरोना की वजह से थोड़ा सा जो है वो गेम रुक से गए हैं, उसमें आपके प्रैक्टिस रुक से गई है या आप अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं? एक्चुअली वो कहना नहीं चाहिए, फिर भी मैं बोल देता हूँ. और प्रैक्टिस चल रहा था तो लास्ट ईयर मेरा पापा का डेथ हो गया, तो इस वजह से थोड़ा मेरा प्रैक्टिस में थोड़ा रुका हुआ था. लेकिन मैंने फिर से स्टार्ट किया प्रैक्टिस, तो अभी चल रहा है प्रैक्टिस, अभी नेक्स्ट कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस चल रहा है. तो अब आप बचपन से ही मतलब स्पोर्ट्समैन बनना चाहते थे, ऐसा कह सकते हैं हम? मतलब वैसा बता तो कोई नहीं सकता बचपन से कौन क्या बनना चाहता है. था आपका मन? मतलब यू नो मेरा माँ भी स्पोर्ट्स में थी, मेरा पापा भी स्पोर्ट्स में था, तो मे बी उन लोगों का जींस मेरे भी थोड़ा आ गया, मे बी हो सकता है कुछ. और बचपन से मैं शरारत था, बहुत शरारती करता था, और खेलने में ज़्यादा दिलचस्पी था पढ़ाई से. तो और मैं घर में एक्चुअली सबसे ज़्यादा खेलने के लिए मैं बहुत पीटा गया मुझे जब छोटा था, और मतलब पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता था, खेलता था. तो शायद हो सकता है खेलने के लिए वैसा ही कुछ होगा शायद. तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे दर्शक जो हमारे हमें आज देख रहे हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ कभी सोचते हैं कि हाँ हम किस तरह से खेलें, या हमें कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, या कितना आवर हमें प्रैक्टिस के लिए देना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लोग ये क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, तो बात ऐसा है कि कोई भी स्पोर्ट्स चूज करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब यू नो एक मतलब ऐसा स्पिरिट होना चाहिए कि नेवर गिव अप वाला स्पिरिट होना चाहिए, कि मैं अगर हारूंगा भी, मैं अगर उठ नहीं पाऊंगा, मैं अगर गिरूंगा भी, तब भी मुझे फाइट करना है टिल द लास्ट ब्रेथ. तो ये अगर रहेगा तभी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो अगर हार को एक्सेप्ट करोगे तो कभी नहीं आगे बढ़ सकोगे. कभी भी हार को एक्सेप्ट करना नहीं है, जितना ही है एनी कॉस्ट. तो जितना भी गिरो उतना उठो, जितना भी हारो तो सक्सेस मंत्र आपका यही है कि जितनी बार भी गिरो उतनी बार ही उठो. हाँ, और मोटिवेशन हार को लेके मैं लेता हूँ, हार को लेके, बाकी कोई कोई अलग से मोटिवेशन, क्योंकि आप खुद ही तो पूरा हार से ही उठे. हाँ वही, तो जब हारते हैं तभी जीतने का मजा आता है, जीतने का मजा मतलब महसूस होता है, हाँ ये जीतना है. तो जब गिरते हो तभी उठ सकते हो, तब पता चलता है कि उठने का मजा क्या होता है या चलने का. तो अभी अपकमिंग गोल्स क्या क्या है आपके, मतलब कुछ अपकमिंग इवेंट्स हो ऐसे events, जो आ रहे हैं? सब 100% एथलीट का गोल शायद एक ही होता है कि वो अपना देश को रिप्रेजेंट करे हर साल जब तक वो जिंदा है, जब तक वो खेल रहा है. तो मेरा भी वही ख्वाहिश और सपना है कि मैं जब तक खेल रहा हूँ, मेरे पास जितना भी, जब तक मेरे पास पावर है, मेरे पास यू नो चलने का काबिलियत है, तब तक मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ वर्ल्ड लेवल में. और शायद मैं करूँगा भी, ये मेरा मेरे ऊपर मेरा वो नो यकीन है मतलब ये चीज़. तो वही. और आप डाइट किस तरह से मेंटेन करते हैं? खाने के लिए मतलब एक प्रॉपर स्पोर्ट्समैन का एक अलग ही डाइट रहता है, क्योंकि वो हर कुछ ऐसा खा नहीं सकते, बाहर का खाना हो गया. एक्चुअली क्या है ये डाइट जो चीज़ है, मतलब आजकल के ज़माने में डाइट बहुतों को मतलब कंफ्यूज करता है, डाइट होता क्या है एक्चुअली. सो मैं एक नॉर्मल चीज़ बताता हूँ. और हाँ, तो डाइट ऐसा चीज़ है कि नो डाइट नहीं, गुड फूड. गुड फूड, डोंट फॉलो अ डाइट, फॉलो गुड फूड. ओके, सो अच्छा चीज़, अच्छा खाना खाओ, फ्रूट्स वगैरह जितना भी अच्छा खाना हो तो वो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन तीन चीज़, एक है शुगर, एक है ऑयल और एक है सॉल्ट. ये तीन चीज़ अगर यू नो आप
जितना हो सके उससे ज़्यादा खाते हो तो आपका जो बॉडी है स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, क्योंकि इस इन तीन चीज़ों से ही हम लोग का बीमारी स्टार्ट होता है। जैसे अगर फैट ऑयल से स्टार्ट होता है, डायबिटीज़ हो और शुगर डायबिटीज से स्टार्ट होता है, और दमक से आपका जो आपका ब्लड है और जो आपका यू नो बोनेसिटी है वो कमता है, कम हो जाता है। तो ये तीन चीज़ नॉर्मल ठीक है, नॉर्मल सब सही है, बाकी और एक्सरसाइज तो करना चाहिए। एक्सरसाइज तो मस्ट है। एक्सरसाइज मतलब एक्टिविटी, बॉडी एक्टिविटी, बॉडी को एनी टाइम एक्टिव रहने से, अगर बॉडी रुक गया तो आपका जो हार्ट बीट है ना, जो बॉडी अगर एक्टिविटी नहीं करता है तो हार्ट बीट जो फैटी हो जाता है, उसके बाद आपका बीमारी स्टार्ट होता है। और जब बॉडी एक्टिव रहेगा तो ये सब जब जितना भी आपका जो फैट है जो ट्रांसफर हो गया वो बदलता है, तो तभी फिट होंगे आदमी, सब फिट होंगे तभी वही। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, एक्चुअली मैं ये पर्सनली पूछना चाहती थी क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, तो मैं देखती हूँ कि जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो काफ़ी बच्चे जो है वो इस 2 साल में ऐप के ज़रिए या जूम हो गया या गूगल मीट हो गया उसके ज़रिए क्लासेस कर रहे हैं, तो वो उनके अंदर एक आलस सा आ गया है। क्लास करते हैं, ऑफ करके रखते हैं और एक्टिविटी जो है वो बहुत कम हो चुका है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि किस तरह से वो खुद को एक्टिव रखें? एक्चुअली क्या है, एक वक्त था जब हम लोग को खेल जब हम लोग बाहर खेलने जाते थे, हम लोग को जो हम लोग को पेरेंट्स हम लोग को मार मार के लाते थे, एक वक्त था। और आज का जो वक्त है तो पेरेंट्स हम चाहते हैं पेरेंट्स कि जाओ बाहर खेलो, लेकिन खेलते नहीं है। एक्चुअली क्या है, बच्चों के बारे में मैं क्या बताऊंगा कि बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स का सपोर्ट एंड पुश। पेरेंट्स को ही सब करना पड़ेगा, पेरेंट्स को करना पड़ेगा, तू कर, तुझे करना ही पड़ेगा, पढ़ाई तो करी, स्विमिंग भी कर, बैडमिंटन भी खेल, कुछ भी खेल, कुछ भी स्पोर्ट्स तू कर, लेकिन तो पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा जाता है जो होता है क्रेडिट ज़्यादा जाता है कि पेरेंट्स को बहुत मतलब जोर देना पड़ेगा कि एक नॉर्मल बच्चे को मतलब ग्रो करने के लिए। अदरवाइज उनको इतना आजकल के ज़माने में फ़ोन लैपटॉप्स एंड ऑल सोशल मीडिया इतना आ गया है, क्योंकि हम मुझे तो जब मैं 11 में था तब मुझे फ़ोन मिला था, तो वैसा बात है कुछ तो आजकल जन्म होते ही फ़ोन से मतलब जो रोते हैं फ़ोन से हंसते हैं मतलब बच्चे, तो वैसा बात है कुछ तो फ़ोन को यूज़ वो बंद तो नहीं कर पाएंगे कोई भी, क्योंकि उसको पेरेंट्स को मोटिवेट करके अच्छा वे में यूज़ करना पड़े मतलब एक बच्चे को अच्छा वे में उसको ले जाना पड़ेगा कि फ़ोन को अच्छी तरह से कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो पेरेंट्स का जिम्मेदारी है सब। पेरेंट्स खुद अपने बच्चे को ग्रो कर सकते हैं, बच्चा मतलब सोचेगा क्या करो क्या नहीं उसको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन पेरेंट्स अगर पुश करेंगे ना, अगर जोर देंगे तो ऑब्वियसली आजकल के बच्चे होंगे। हाँ जी, थैंक यू सो मच। बात है तो चलती ही रहेगी, लेकिन समय भी हमें देखना पड़ेगा। बट सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, वक्त निकाल के आप आए। दर्शकों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे दोबारा मिलेंगे हमारे अगले शो में। धन्यवाद।